गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, साठ सोधे रही सते संगति पाई, साठ सोधे रही सते संगति पाई, साठ सोधे रही सत संगति पाई, सत संगति पाई, पारस परस को धात सुहाई, पारस परस सठ मतलब मूर्ख, मूर्ख आदमी भी सुधर जाता है। बोले कहां? सत्संग में ले आओ। सत्संग में आकर मूर्ख भी सुधर जाता है और विद्वान भी बिगड़ जाता है। बोले कहां? बोले मूर्खों की संगत कर दो। विदेशों में एक प्रयोग हुआ, विदेशों में एक प्रयोग हुआ। प्रयोग क्या? इंसान के एक छोटे से बच्चे को, नवजन्मित बच्चे को, 6 माह के बच्चे को बकरियों के बीच में रख दिया 4 साल तक, और 5-6 साल बाद उस बच्चे को वहीं पिलाते रहे, वहीं खिलाते रहे, वहीं सुलाते रहे बकरियों के बीच में। और जब 5-6 साल बाद उस बच्चे को बाहर निकाला गया तो आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, उस बालक की कोई आवाज नहीं, वो बात भी करता था तो बकरियों की ही आवाज में। इंसान का बच्चा बकरी जैसी आवाज में बात करता है। किसी ने कहा ऐसा कैसे हुआ? बोले जैसा आसपास माहौल रहेगा व्यक्ति की वाणी भी वैसे ही निकलेगी। माई बाप, तुम अगर सत्संगति में आकर के बैठोगे तो बिगड़े हुए भी सुधर जाओगे। संगत का असर देखो, पानी की बूंद तवा पर पड़ती है मिट जाती है। गर्म तवा हो, पानी की बूंद डालो, तुरंत खत्म हो जाती है। पानी की बूंद गरम तवे पर पड़ती है मिट जाती है, लेकिन वही पानी की बूंद जब कमल पर पड़ती है तो चमचमाती है। संगत का असर है, संगत का खेल है। गरम तवा की संगत मिलती है तो चमचमाती हुई बूंद मिट जाती है, लेकिन वही जब कमल पर पड़ती है तो चमचमाने लगती है। माई बाप, पानी की बूंद जब सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है, वही पानी की बूंद जब गंगा जी में गिरती है तो गंगा जल बन जाती है। इसीलिए मेरे पागलो, मेरे खुरई के लोगो, तुमसे भी हमारी प्रार्थना है, एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध, साधु संगत करो हरि भक्तन की, हरि भक्तन की। इसलिए मेरे पागलो, अपने बेटा को, अपने बेटी को, जितने भी माता पिता यहां बैठे हैं, हमारी व्यासपीठ से प्रार्थना है, तुम्हारे बच्चे क्या खा रहे, क्या पहन रहे, क्या पढ़ रहे, इससे ज्यादा वर्तमान में बहुत जरूरी यह है कि आपका बच्चा संगति किसकी कर रहा है। आपका बेटा किसी गलत व्यक्ति की संगत करेगा, होटल में बोतल खोलेगा, लेकिन आपका बच्चा किसी मालाधारी तिलकधारी की संगत करेगा, मंदिरों में जाके वो कीर्तन गाएगा। और मॉडर्न जमाने के नाम पर अपने बेटा और बेटी को खुला मत छोड़ दिया करो। मॉडर्न जमाना है महाराज, खेलने खाने दो, फिर बाद में वो तुमको ही दुत्कार करके लवेरिया में फरार हो जाती है। फिर मुंह चलाते हैं, गुरुजी लड़का भाग गया, लड़की भाग गई ठटरी के बरे। अरे रामायण पढ़ाई होती, बच्चों को सिखाया होता तो रामायण में बच्चे पढ़ते क्या?
प्रातः काल उठ के रघुनाथ पर टीका लगवाओ, अपने बच्चों को सत्संगति में लेकर आओ। मेरे पागलों, तुम्हारी बेटा और बेटी जब कथा सुनेगी, विवेक बढ़ेगा तो वो तुम्हारे खिलाफ नहीं चलेंगे। लोग कहते कथा से क्या होता, माई बाप शब्द की चोट बहुत खतरनाक होती। खुरई का एक आदमी अंग्रेज के पास गया दिल्ली। अंग्रेज बोला हमको भारत दिखाओ। खुरई का आदमी कमजोर थोड़ी होता है, बहुत बलवान। अंग्रेज को भारत दिखाया, अंग्रेज को भारत दिखाया तो सबसे पहले ताजमहल दिखाया। अंग्रेज ने पूछा अंग्रेजी में ये कितने साल में बना। खुरई के आदमी चंगीलाल ने कहा 40 साल। अंग्रेज बोला हो, तो खुरई का आदमी बोला क्यों। अरे बोले बहुत सिलो, इतने दिन लगे, हमारे यहां तो 20 साल में बन जाता। खुरई के आदमी ने कहा हो सकता है। दूसरी जगह गया, लाल किला दिखाया दिल्ली का। खुरई के आदमी ने लाल किला दिखाया, अंग्रेज ने पूछा ये कितने साल में बना। चंगीलाल खुरई का बोला 30 साल। ओ, अब खुरई के आदमी अब क्या हुआ, बोले इतना धीमा, बहुत स्लो है तुम्हारा इंडिया। वो क्यों, हमारे यहां तो ये 15 साल में बन जाता। तब तक रात हो गई। चंगीलाल ने कहा खुरई के आदमी ने हो सकता है, रात को सो गए। सुबह उठे तो कुतुब मीनार दिखाया। उसने पूछा अंग्रेज ने ये कितने दिनों में बना, बोले अभी अभी कल ही बना है ये। अब बताओ तुम्हारे बाप में दम हो तो बना के बताओ। ऐसी ऐसी महिमा खुरई के लोगों की है। तो खुरई के लोगों से तो कोई जीत ही नहीं सकता। मेरे पागलों, जो हम तुम्हें सुनाना चाह रहे थे वो यही था, प्रभु के सहारे हो जाओ, प्रभु की शरण में हो जाओ। कहते हैं जो भगवान की शरण में आ जाता उसका कभी फिर मरण नहीं होता। मरने का मतलब ये नहीं कि तुम मरोगे नहीं, मरोगे तो पर नाम से जिंदा रहोगे। मरना तो सबको है। अरे आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा कोई बंधा जंजीर। सिंहासन कौन चढ़ेगा, धर्मी सिंहासन चढ़े पापी डंडे खात, दया धर्म करते रहो मानो मेरी बात। आया है सो जाएगा, लेकिन गुरु की कृपा, गुरु सदगुरु हमारा साया बनकर के हमारे साथ रहता। सदगुरु हम पर कृपा करता। और सदगुरु, मेरे पागलो, हमसे कोई पूछे कि आपकी जिंदगी में बढ़िया सा गुरु कौन है, हमारी जिंदगी में तो हमारे गुरुदेव भगवान हनुमान जी हैं। हनुमान जी जैसा सदगुरु जिसके साथ रहता है, हनुमान जी उनके साथ साया बनकर के चलते हैं।